Hey guys, welcome back to my channel. और मेरा नाम है शुभम और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये कुछ बहुत ही रैंडम वीडियो है और मैं सोचा कि जो मैं एक्सपीरियंस किया वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो मैं ट्रैवल कर रहा था अभी कुछ दिन पहले, तो मेरे दिमाग में आया कि यार कि मेरे को गिटार कैरी करना है, तो गिटार कैसे कैरी कर सकते हैं। आई वॉज ट्रैवलिंग थ्रू फ्लाइट्स, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, प्लस जो कोविड का रूल्स एंड रेगुलेशन चलते आ रहा है उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें कि आप लगेज बैग एक ही कैरी कर सकते हो ऊपर कैबिन में, तो क्या गिटार अलाउड है। तो ये वीडियो बेसिकली मैं गिटार के लिए बना रहा हूँ, आप देख सकते हो ये गिटार मेरे को कैरी करना था। तो मैं बहुत सारा रिसर्च कर रहा था, यूट्यूब पे देख रहा था और बहुत सारे जगह पे मैंने ऐसे पता किया कि गिटार को कैसे कैरी कर सकते हैं, तो एवरीवन वाज वेरी कंफ्यूज। तो मैंने सोचा यार यूट्यूब पे मैं क्यों ना एक वीडियो डाल दूँ जिससे कि लोगों को पता चले कि गिटार कैसे आप कैरी कर सकते हैं। अगर आप एक म्यूजिशियन है, अगर आप एक गिटारिस्ट है, तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट को कैरी कैसे कर सकते हो। तो जनरली क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि यार गिटार है, इंस्ट्रूमेंट है, हम इसको अगर चेक इन करवा लेते तो यार फिर ये इसकी टूटने की, इसकी डैमेज होने की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं बता दूँ आपको कि ये डिपेंड करता है फ्लाइट टू फ्लाइट पे कि आप इसको कैसे कैरी करना अलाउ करते हो। कई सारे फ्लाइट इनमें चेक इन में ही अलाउ करते हैं कि आप चेक इन बैगेज में डाल दें और आप इसे छोड़ दें, लेकिन उसमें डैमेज होने का चांसेस रहता है जो आपको नहीं चाहिए एट द लास्ट। बहुत सारी फ्लाइट आपको यूज़ बताती है कि आप इसको ऊपर कैबिन में आप ले जा सकते हैं, हैंड लगेज ले सकते हैं, जो आप 7 kg ऊपर में कैरी करते हैं उसको आप आराम से गिटार के ऊपर ले जा सकते हैं। सो सबसे बेस्ट सजेशन जो मैं दूंगा आपको कि यार आप जिस भी फ्लाइट से कैरियर से ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें एक बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें और उन्हें एक डिटेल दे अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में और उनसे जनरली पूछ ले। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ मैं चाहता हूँ मैं आपको भी बता दूँ करके। मैं कैरी कर रहा था अपने गिटार को जब मैं यहाँ ट्रैवल कर रहा था, ऑब्वियसली फॉर सम ऑब्वियस रीजंस, और तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने अपने एयरलाइंस को, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं अपने एयरलाइंस को कॉन्टैक्ट करके मैंने कोशिश की कि मैं एक बार बात करता हूँ उनसे और उनकी राय लेता हूँ कि कैसे गिटार को आप कैरी कर सकते हो इन द फ्लाइट। तो बिलीव मी उन्होंने जवाब में मेरे को थोड़ी सी अनबन लगी और लाइक इवन दे वर नॉट श्योर कि क्या वो कैरी कर सकते हैं, गिटार नहीं कैरी कर सकते। तो मैंने उनसे पूछा कि चेक इन में करा सकते हैं, तो दे वर कन्फ्यूज कि आप चेक इन करा तो सकते ना, लाइक सर ये तो डैमेज हो सकता है प्रोडक्ट और ये इंस्ट्रूमेंट मेरा डैमेज हो सकता है, आप हो सकता है आप किसी शो के लिए जा रहे हो या किसी चीज़ के लिए जा रहे हो तो आपको चाहिए होगा कि आप चाहते हो कि आप डैमेज प्रोडक्ट आपको ना पहुँचे, तो दे वर लाइक ये सर डैमेज हो सकता है, यू हैव टू बी अवेयर दैट। तो मैंने उनको सजेस्ट किया सर बहुत सारे कैरियर्स आपके ऊपर कैबिन लगेज में भी ले जाने के लिए अलाउ करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर करके सर। तो उन्होंने बताया कि आप कैबिन में भी कैरी कर सकते हैं, इज़ नॉट एन इशू, बट दे सीम्स टू बी वेरी कन्फ्यूज। तो उन्होंने कहा कि सर आप एयरपोर्ट जाओ, वहाँ पे आपको जैसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं आप उसे फॉलो करना एंड देन आप कोशिश कर सकते हो आपको ऊपर ले जाने के लिए। मैंने कहा यार लास्ट मोमेंट पर अगर मना कर देगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। इवन दैट मैं एयरपोर्ट जाता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ बात करने का उनसे, दे वर लाइक क्वाइट सपोर्टिंग, उन्होंने उनसे मेरी बात हुई, वो मेरे को सजेस्ट की कि आप ऊपर कैबिन में ले जा सकते हैं। तो मैंने अपना मेन जो लगेज था वो मैंने अपने चेक इन करा दिया और गिटार को लेके मैं ऊपर चला गया। तो जैसे आप फ्लाइट बोर्ड करते हो तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि यार अगर आप गिटार या कोई इंस्ट्रूमेंट कैरी कर रहे हो, आई गेस गिटार के केसेस में है कि आप गिटार को ऊपर आराम से कैरी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम गिटार आई गेस इट इज़ सजेस्टेबल और वो आपको एडवाइस करेगा कि आप उसको चेक इन ही करा दें। सो अगर आप गिटार लेके ट्रैवल कर रहे हो, इवन तो आप ऊपर लेके आप जा रहे हो, फ्लाइट में लेके जा रहे हो डायरेक्टली अपने हैंड लगेज में 7 kg वाले बैग के उस जगह पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गिटार के लिए सबसे पहले तो एक हार्ड केस ले ले, इफ़ पॉसिबल आप हार्ड केस ले ले और हार्ड केस में ही गिटार को लेके आप ट्रैवल करें। क्योंकि इवन तो अगर एट द लास्ट मोमेंट आपको चेक इन कराना भी पड़ता है तो इट विल बी लेस चांस कि आपका गिटार डैमेज होगी, तो इट्स बेटर कि आप एक हार्ड केस ले लें। इवन दो अगर आपके पास हार्ड केस नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट एक गुड पैडेड बैग तो होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यार एट द लास्ट ये आपका इंस्ट्रूमेंट है और आप नहीं चाहते कि ये डैमेज हो। तो मैं अपना गिटार एक पैडेड केस में, इवन आई डोंट हैव ए हार्ड केस, तो मैं अपना गिटार एक पैडेड केस में ऊपर लेके जाता हूँ अपने हैंड लगेज में। सो मेरे को जगह आराम से मिल जाती है ऊपर कि मैं अपने गिटार को अपने ओवरहेड कैबिन में रख सकूं। तो बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप यार फ्लाइट अगर बोर्ड भी कर रहे हैं इन सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो आप फर्स्ट रो में जो आप फ्लाइट बोर्ड करोगे आप उसमें ट्राई करें जाने का, ताकि आपको ऊपर कैबिन बैग कैबिन एरिया आपको खाली मिले और आप आराम से अपने गिटार को अच्छे से रख सके। होता क्या कि जनरली मेरी क्या एक्सपीरियंस रही कि मैं बहुत लास्ट में गया था
और लास्ट में जाके मेरे से एक इशू हो गई कि यार मेरे को अपने सीट के ऊपर ओवरहेड बिन में मेरे को जगह नहीं मिल रही थी। तो कई बार मैंने ऐसे केसेस भी सुने हैं, यूट्यूब पे देखा है कि अगर लास्ट मोमेंट पे इफ यू डोंट फाइंड ए प्लेस आपकी ओवरहेड पे, तो वो फिर आपको मना कर देते कि नहीं आप ये इंस्ट्रूमेंट कैरी नहीं कर सकते हो। देन अगेन इट हैज़ टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस ऑफ बहुत कि आप चेक इन करा लो या फिर, बट इट्स वेरी लास्ट मोमेंट तो ऑब्वियसली फिर आपको मे बी आपको गिटार छोड़ना पड़ेगा एंड यू कांट कैरी द गिटार टू योर डेस्टिनेशन। तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़े जल्दी जाए। आई वॉज लकी इनफ कि पूरी ओवरहेड बिन पूरी भरी थी, इवन दो आई फाउंड आउट अ प्लेस और मैं अपने गिटार को वहाँ पर रख देता हूँ करके। आप आराम से गिटार को ऊपर रख सकते और आराम से कैरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी एयरलाइन आपको अलाउ करती है। मोस्टली 90% ऑफ द चांस कि आपको एयरलाइन अलाउ करेगी ऊपर ले जाने के लिए अपने हैंड लगेज में। और बस ध्यान दें कि आप एक पैडेड बैग या फिर एक हार्ड केस कैरी कर रहे हैं अपने गिटार के साथ और उसमें आप गिटार को लेके जा रहे हैं ताकि डैमेज से बच सके। तो आई गेस यही मेरा एक्सपीरियंस था और बहुत लोग चाह रहे थे कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ। इवन मैंने पूछा भी था तो अपने इंस्टाग्राम पे, अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं वहाँ भी कंटेंट डालते रहता हूँ। तो नीचे इंस्टाग्राम का मैंने अपना सोशल हैंडल फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों की आईडी नीचे पोस्ट करी हुई डिस्क्रिप्शन में, डू चेक दैट आउट। और आपको अगर कंटेंट पसंद आता तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। और मेरे को बताओ कि ऐसे थोड़ी नॉन टेक्निकल नॉन म्यूजिक वीडियो में आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हो और किस तरह के सजेशन, आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो टिल देन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक का बटन लाइक करके जाए और नीचे कमेंट करके बताए कि और आप किस तरह के इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड सजेशन आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ, या फिर नॉन टेक्निकल, या फिर अगर आपको कोई म्यूजिक वीडियो या फिर कोई सॉन्ग कवर करना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा म्यूजिक वीडियो देखना है। एंड नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर जाए। और टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, एंड अगर आप दिन में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग ऑब्वियसली, एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल।